ब्लॉक दुर्ग कोंदल के महाराज होटल का प्लेट धोने का तरीका आप देखेंगे तो नाक पकड़ कर देखते ही रह जाएंगे, आपका भी मन कुछ खाने को नहीं करेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांकेर जनपद के दुर्ग कोंदल ब्लॉक में संचालित महाराज होटल के नाम से प्रचलित होटल का, जहां विचित्र किस्म के लोगों से कार्य करवाया जाता है। साथ ही साथ यहां बर्तन जैसे गिलास प्लेट थाली आदि धोने का स्टाइल कुछ और ही है, आप देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। वहां गंदा पानी भरा हुआ है जहां प्लेट थाली और अन्य बर्तनों को डुबा दिया जाता है और वही कीचड़ से उठाकर सीधा बाल्टी के पानी में डुबोकर निकालकर फिर से उसे उपयोग किया जाता है, जिससे क्षेत्र के कई लोग चाय नाश्ता और पानी आदि पीते हैं। पर इस तरह की गंदगी ठीक नहीं है, होटल संचालक को सफाई पर ध्यान देना चाहिए। गंदे पानी में ही गंदा और जूठा बर्तन धोने से सफाई कैसे होगी? ये तो ग्राहकों के साथ होटल प्रबंधन का धोखा है, जिससे संक्रमण से आसपास का वातावरण साथ ही लोगों में बीमारी फैल सकती है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी संबंधित ग्राम पंचायत खुद निरीक्षण कर स्थिति देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि कितने गंदे पानी से बर्तनों को धोया जाता है और होटल की गंदगी से आसपास बदबू फैली रहती है। वहीं बदबू आसपास के वातावरण को दूषित करती है, जिस पर पंचायत को ध्यान देना चाहिए, लेकिन पंचायत के जिम्मेदार व्यक्ति भी किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गैंदलाल मरकाम के साथ आरएल कुलदीप की रिपोर्ट, कांकेर छत्तीसगढ़। सारंगढ़ विकास खंड के गोमरडा अभयारण्य सेंचुरी में राजा जवाहर सिंह के समय में पुनर्व्यवस्थापित गांव जवाहर नगर, जहां आदिम जाति कल्याण विभाग की बालक आश्रमशाला संचालित है। यहां पहुंचने के लिए वन विभाग की एकमात्र कच्ची सड़क है, जिससे आवागमन होता है। शिक्षक हर रोज इसी मार्ग से स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन पिछली बरसात में नाला किनारे का यह मार्ग भारी बारिश की वजह से पूरी तरह से बह गया था, जिसको एक साल तक न तो वन विभाग ने सुधारने का प्रयास किया और न ही ग्राम पंचायत खंभारपाली ने ध्यान दिया। अब इस गाँव तक चार पहिया वाहन से जाना बिल्कुल ही असंभव है। इस मार्ग के जाने से शिक्षक व बच्चे सहित जवाहर नगर के ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आश्रमशाला जवाहर नगर में पिछले सत्र एक बालक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी और बरसात का मौसम सांप बिच्छू व अन्य जहरीले जीव के साथ ही वन्य जीवों का विचरण होता रहता है। ऐसे में आश्रमशाला के बच्चे किसी ग्रामीण के साथ ऐसी कोई अनहोनी हो जाएगी तो 112 व 108 वाहन उन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राम कुमार थुरिया की रिपोर्ट, रायगढ़ छत्तीसगढ़। फूड फॉर ऑल योजना के तहत राज्य सरकार 15 से 29 जुलाई तक नए राशन कार्ड बनाने और पुराने राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए साझा नगर पंचायत में शिविर की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि फूड फॉर ऑल योजना के तहत राज्य सरकार 15 से 29 जुलाई तक नए राशन कार्ड बनाने और पुराने राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए साझा नगर पंचायत में शिविर प्रारंभ हो गई है। 5 साल से ज्यादा पुराने राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जा रहा है। आवेदन लेने के बाद 1 से 8 सितंबर तक शिविर लगाकर नए राशन कार्डों का वितरण किया जाएगा, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आदेश 2016 के खंड 6 के प्रावधानों के मुताबिक राशन कार्ड जारी किए जाने के 5 वर्ष तक ही वैध है। इस हिसाब से वर्ष 2013-14 में बनाए गए राशन कार्ड 2018-19 तक वैध हैं। इसके बाद इनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। अब नए सिरे से जिले में राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। हालांकि अमान्य होने के बाद भी लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए पुराने कार्ड से ही राशन का वितरण किया जा रहा है। ऐसा तब तक चलेगा जब तक नया राशन कार्ड नहीं मिल जाता। बीपीएल के साथ एपीएल राशन कार्ड बनाए जाएंगे। आवेदन के लिए 2 फोटो, आधार व बैंक खाते की फोटोकॉपी जरूरी है। नए राशन कार्ड बनवाने अथवा नवीनीकरण के लिए 1 पन्ने के आवेदन पत्र में जानकारी देनी होगी। साथ ही परिवार के मुखिया की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और बैंक खाते की फोटोकॉपी लगेगी। नया राशन कार्ड मिलने के बाद ही पुराना कार्ड दें। नया राशन कार्ड निःशुल्क बनाया जा रहा है। नया राशन कार्ड मिलने के बाद ही पुराना राशन कार्ड जमा करें। राशन कार्ड के दिनांक कब से कब तक है नवीनीकरण? 15/7/2019 से 29/7/2019 तक है। और जरूरी दस्तावेज क्या है? दस्तावेज में जितना सभी का आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता लगेगा, 2 फोटो लगेगा और नवीनीकरण का की जरूरत क्यों हुई? जरूरत इसलिए कई लोगों का नाम सुन गया था, उसको यही वाला नाम उसको जोड़ा जा रहा है और शासन की महत्वपूर्ण जो योजनाएँ हैं सबको मिलनी चाहिए। राशन ये नाम से ना राशन का नवीनीकरण किया जाए। और नया राशन कार्ड बनाने के लिए प्रक्रिया बिल्कुल 2 अक्टूबर से नया राशन कार्ड की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और लगभग सबको राशन कार्ड लाभ मिलेगा। और 10 रुपये किलो के लिए किसको पात्रता रहे? एपीएल वालों में, जो एपीएल वाले हैं उनको 10 रुपये किलो, बाकी बीपीएल वालों को जो रेट। अभी जो राशन कार्ड बन रहा है उससे किसी को नुकसान? कोई नुकसान? कोई नुकसान, सबको फायदा है। एक्चुअली पहले पब्लिक
कभी जिला मुख्यालय में, कभी ब्लॉक मुख्यालय में जो ड्यूटी थी, आज वो एक जगह होके जिनका नाम छूट गया है और उनको नाम जुड़ा जा रहा है, इससे पब्लिक को फायदा होगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट, साझा छत्तीसगढ़। बरेला ब्लॉक के ग्राम पंचायत के परपोड़ा, जो कि बेमेतरा जिले में रकबा और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा पंचायत है, इसके बावजूद यहां के ग्रामीण सरपंच की कार्यप्रणाली से परेशान हैं। बताया जाता है कि सरपंच शासन की योजनाओं को पलीता लगाते आ रहा है। अनियमितता, भ्रष्टाचार का आलम यहां देखने को मिल रहा है। यहां के ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम के सामने रखी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत परपोड़ा की हालत देखें तो शासन की राशि का बंदरबांट हुआ है। नियम कानून, अधिकारी, विधायक, मंत्री कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आखिर अपनी अपनी पीड़ा समस्याओं का निराकरण होगा तो आखिर कैसे? गांव की सड़क बजबजा रही है, शौचालय बना उसका भुगतान नहीं, बिना कार्य किए राशि का आहरण, फिर भी कार्रवाई ना होना समझ से परे है। बेमेतरा जिले के साझा जनपद में ऐसे कई उदाहरण हैं, जो कि सालों से शिकायत होने के बाद भी आज कार्रवाई तो दूर, शिकायतों को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का की तर्ज पर दबंगों का शासन चलता आ रहा है। राज्य शासन के मुखिया को चाहिए कि ऐसे मामलों को संज्ञान में लेते हुए ग्रामीणों को न्याय दिलाएं और दोषियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। कार्य चल रहे हैं, उसके संबंध में जांच के लिए मेरे द्वारा आवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत परपोड़ा में भारी भरकम भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके बावजूद भी प्रशासन की अनदेखी या कहीं कि सरपंच की बाहुबली राजनीति में सभी अधिकारी कर्मचारी बिके हुए हैं। ग्राम पंचायत से लेकर जनपद, जिला कलेक्टर तक की शिकायत किया गया, लेकिन आज तक की कोई कार्रवाई नहीं किया गया, समझ से परे है। सरपंच द्वारा कहा जाता है कि अधिकारी और कर्मचारी से लेकर नेता तक के मेरे जो है पैकेट में है, वो जो है आज दिख रहा है कि सरपंच अभी तक वो दूंगा बोलता है, वो मीटिंग में पास किया है वो, बाकी अभी तक वो पैसा नहीं मिल रहा है। क्या चीज़ का? ऑपरेटर, नल ऑपरेटर का। आप नल ऑपरेटिंग काम कर रहे हैं? नाम बताए। भरत सिंह राजपूत। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए इसमें, अभी तक कहीं भी पैसा नहीं मिला है। आप क्या चाहते हैं? पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। कितने सौ था मैं आपको? 1700 बोला था मीटिंग में ग्राम सभा में, और पिछले वाले लोग 1000 रुपये दे रहे थे महीने में, भूतपूर्व सरपंच लोग, अभी तो एक भी बार नहीं दिया है। वादी सीटल फेंक दे है और बनी बनी की थे आवाज में 6 महीना बने की नहीं, तो सरपंच द्वारा सचिव द्वारा पैसा नहीं दिया जाता। अरे कोई एको पैसा कोई नहीं दे। अब जाते हो क्या बोलता है? अब जावे का के बन ही किसे कोन भेजा था? निरंजन, निरंजन ये देखल आज बाद में दी झनला बसा दे। लाला और ये थानू यहाँ नाली के नीचे से आते है, ऐसा नाली बनाए कोई मतलब है का? कोई अर्थ नहीं है नाली के, तोड़े जाए तोड़ के दूसर बनाया जाए। बरसात होते तो पानी पूरा घर भी थी। आप देख सकते हैं नाली के नीचे से दूसरा डहर का पानी आवा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विमलेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, बेमेतरा। बेमेतरा जिला मुख्यालय में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सुपारी के कारोबार करने वाले दो व्यक्तियों को धर दबोचने में बड़ी कामयाबी मिली है। हम बताना चाहेंगे कि इस छोटे से जिले में 90 लाख रुपए की अवैध सुपारी का कारोबार बबनू वर्मा और उनके साथी महेश राजपूत चला रहे थे, जिनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनसे कड़ी पूछताछ करते हुए रिमांड पर जेल भेजा गया है। जिला मुख्यालय बेमेतरा में लगातार अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रदेश के इंटेलिजेंस रिपोर्ट देने LIB रिपोर्ट में अब तक कहा गया था, ऐसे और खुलासे सही पड़ताल पर ही हो पाएंगे। क्या कार्रवाई है, किसके ऊपर कार्रवाई है, किस कहां से देखते हैं? महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट धुले तिरपुर पुलिस थाने से पुलिस टीम आई हुई है और यहां पर थाना देने कर वहाँ पर पुलिस सहायता की मांग किए थे, तो हम लोग पुलिस सहायता दिए थे। इनका कहना है कि इनके संबंधित पुलिस स्टेशन में एक 420, 406 और 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध है, जिसके तहत जो है वहाँ से महाराष्ट्र से एक ट्रक सुपारी लेकर के ट्रक का मालिक निकला था, उसको दिल्ली जाना था, परंतु वह दिल्ली ना जाकर के बेमेतरा में आकर के किसी के पास में उस सुपारी को बेच दिया था। तो महाराष्ट्र पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस ट्रक के मालिक को पकड़ने के पश्चात उसकी निशानदेही पर यहाँ पर बेमेतरा आई है और उसको
जो जब्त मतलब जो सामान जो है उसको जब्त करने के लिए यहाँ पर कार्रवाई किया जा रहा है उनके द्वारा। गाड़ी किसके पास निकला था, किसके पास भेजे? अभी तो ये महाराष्ट्र पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वही बता पाएंगे। बाकी मेरे को जहाँ तक जानकारी मिली है, यहाँ पर बन्नू वर्मा है, वो खरीदा था बता रहे हैं, और उसके साथ में एक अन्य नाम आ रहा है महेश राजपूत का। बाकी पूरी प्रक्रिया महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, वो वही बता पाएंगे कि किसका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अब वो बता पाएंगे महाराष्ट्र पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, तो वो उसके बारे में वो बता पाएंगे। ये कल रात में अभी जब कि कर रहे हैं, कल रात से हाँ सुपारी मिल गया। आरोपी दोनों अब महाराष्ट्र पुलिस पकड़े हैं आरोपी हैं, संदेही हैं, दो लोगों को हिरासत में लिए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कितने का माल होगा ये? लगभग बता रहे हैं कि 38 लाख रुपए का सामान है ये। टीवी मन इंडिया न्यूज के लिए विमलेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देश की पहली गार्बेज कैफे योजना शुरू की गई है। इसके तहत नगर निगम शहर के गरीब और घुमंतू लोगों को प्लास्टिक के बदले भोजन कराएगा। अभियान के तहत सड़क पर बिखरे 1 किलो प्लास्टिक कैरी बैग लाने पर मुफ्त भोजन और आधा किलो प्लास्टिक कैरी बैग लाने पर भरपेट नाश्ता कराया जाएगा। शहर के प्रतीक्षा बस स्टैंड से इसका संचालन जल्द किया जाएगा। गार्बेज कैफे के तहत इस अभियान को शुरू करने वाला अंबिकापुर देश का पहला शहर होगा। अब तक किसी निगम में यह व्यवस्था नहीं है, बेघर लोगों के खाने और रहने का प्रबंध किया जाएगा। अभियान के तहत नगर निगम शहर के गरीब और बेघर लोगों को मुफ्त में भोजन कराएगा। यही नहीं, ऐसे लोगों के लिए भोजन के साथ रहने का प्रबंध भी किया जाएगा। इस योजना को स्वच्छता अभियान से जोड़ा जा रहा है। अंबिकापुर स्वच्छता अभियान में देश में दूसरे नंबर पर है। और पूरे देश में शहर का नाम हुआ सभी के सहयोग से। उसी तरह हम लोगों ने अभी अपने बजट में गरीब तबके के लोगों के लिए खाने का निःशुल्क व्यवस्था का प्रावधान रखा है। उसी को हम लोगों ने फिर और सोचा और उसको एक स्वच्छता से जोड़ते हुए, क्योंकि शहर का नाम स्वच्छता में बहुत आगे है और पूरे देश में दूसरे नंबर पर, हमने ये किया है कि अगर कोई 1 किलो प्लास्टिक शहर से कलेक्ट करता है और निगम के पास लाता है जहाँ लोकेटेड सेंटर होगा, तो उसे हम निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करते हैं। और आधा किलो अगर प्लास्टिक लेके आता है तो निःशुल्क नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। और उसे हम लोग ने गार्बेज कैफे का नाम दिया है। और इस तरह से हम दोनों तरफ से, एक तो स्वच्छता पर भी शहर को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरा हम गरीब पर्सन्स को हेल्प भी करना चाहते हैं। सर, जैसे कि शुरू से बताया कि सर अंबिकापुर में स्वच्छता के बारे में पहला स्थान भी रखा है, तो इसके लिए आगे की क्या रणनीति होगी? जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा जो मॉडल है 3 साल से अभी जो शुरू किया था, 3 साल हो चुके हैं और सारा सिस्टम रेगुलराइज हो गया है। उसी तरह जैसे जो रोड साइड से प्लास्टिक्स लेके आए हैं हमारे कैफे में, हम उसे सलारम सेंटर जो हमारा है वहाँ पे उसे उनको वहाँ करने को बोलेंगे, तो वहाँ से सीख लेंगे, वो हमारे निगम द्वारा निर्धारित कैफे में आएंगे, बनाए हुए कैफे में आएंगे, निःशुल्क भोजन करेंगे और उसका बहुत कुछ चाहिए। ये कब तक इसका हम लोगों ने अभी कल ही स्थल चयन किया है और हफ्ते से 10 दिन के बीच में से शुरू कर दिया। नेवो सिस्टम में जो हमारा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो ऊपर की दुकानें हमारे अभी खाली हैं वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे आश्रय भी है, हम लोग उसे लोगो सिस्टम में जो आश्रय होता है वो भी वहाँ पे, उसकी व्यवस्था भी है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दिनेश गुप्ता की रिपोर्ट, अंबिकापुर सरगुजा। सरगुजा जिले के विकास खंड बतौली NH 43 रघुनाथपुर से मंगारी मार्ग में चल रहे सीसी सड़क निर्माण का कार्य TBCL कंपनी द्वारा ठेका लिया गया है, जो अंबिकापुर से पत्थल गांव तक सड़क निर्माण कार्य किया जाना है। अभी फिलहाल चल रहे जूना मंगारी से राई चौक रघुनाथपुर तक कार्य निर्माणाधीन है। सीसी सड़क निर्माण कार्य एक साइड, कहीं कहीं दोनों साइड निर्माण कार्य प्रगति पर है। बनी हुई सड़क में हर जगह 20 से 30 फीट की दूरी पर सड़क पर दरारें देखी जा सकती हैं। इसमें किसकी लापरवाही मानी
शिकायत सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार की या ठेकेदार द्वारा रखे गए इंजीनियर की या फिर NH के अधिकारी की। जब इस बारे में ठेकेदार के इंजीनियर मोहम्मद जावेद से मोबाइल पर बात की तो उन्होंने कहा यादव इंजीनियर बता पाएंगे। इंजीनियर यादव से बात करने पर बताया कि घर आया हूं, वापस आने पर जानकारी दी जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि सड़क में कार्य करने वाले ठेकेदार के इंजीनियर सही जानकारी नहीं देना चाहते। वहीं बतौली न्यू बस स्टैंड के पास NH 43 बतौली चौक में गहरे गड्ढे बने हुए हैं। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि इन गड्ढों से कई बार बाइक सवार एक्सीडेंट के शिकार हो चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मुकेश अग्रवाल बतौली के निवासी हैं जी। ये जो बगीचा चौक में गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कहना चाहेंगे, शुरू से ये हालत ही हुई, आज़ादी के बाद से ये गड्ढा है। हमारे पहले सरकार थी जिसी के, उस समय कांग्रेस के विधायक थे, वो भी इसी गड्ढे में आके सोते थे। उसके विपक्ष के विधायक थे हमारे, जो अभी मंत्री हैं, इसी गड्ढे में आके सोते थे, वो भी चक्का जाम करते थे। तो शायद वो निशानी छोड़ना चाहते होंगे। फिर मतलब परेशानी है, धूल वगैरह, मिट्टी, पानी है, इसमें कई आदमी रोज गिरते हैं, यहीं पे हमें रहने हैं, सामने यहीं रहने वाला, एक्सीडेंट होते रहते हैं, रोज एक्सीडेंट है, तो चार पांच आदमी मोटरसाइकिल वाले रोज गिरते हैं। किसी क्या लगता है मेन चौक है इसलिए बतौली का? पता नहीं अब क्या है, मंशा नहीं है शायद सरकार के बनाने की, निशानी छोड़ देना चाहते हैं। मेरी बतौली का ही रहने वाला हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। सर ये जानकारी जो है TBCL द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, रोड में कई जगह गड्ढे हो गए हैं, उसकी रिपेयरिंग वगैरह नहीं की जा रही है, पानी भरा हुआ है, कई लोग उसमें गाड़ियों में गिर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? अरे इस रोड का बहुत भारी दुर्भाग्य है और हम सबका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वर्षों से ये रोड निर्माणाधीन है और सरकार की इच्छा शक्ति के कारण और अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट, सरगुजा। सोनभद्र जिले में आदिवासियों के नरसंहार के विरोध में पूर्व विधायक भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में आदिवासी समाज द्वारा मौन जुलूस एवं कैंडल मार्च कर विरोध जताया गया एवं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर अपराधियों को कड़ी से कड़ी दंड दिलाने की मांग की गई। उक्त क्रम में प्रियंका गांधी को घटनास्थल पर जाने से रोकने की भी घोर निंदा एवं भर्त्सना आदिवासी समाज द्वारा की गई। प्रत्येक माह पर मेरा वेतन काट लिया जाता है, समस्त कार्य करने के पश्चात 6 बजे से 8 बजे तक काम करता हूं, फिर भी मेरा वेतन काट लिया जाता है हर महीना। और इस जुलाई माह में पूरा अभी तक मैं काम करते आ रहा हूं, फिर भी रजिस्टर में मेरा नाम एंट्री हुआ है और पूरा मैं हाफ हाफ हाजिरी लगाया गया है। अभी तक तो नहीं किए हैं सर, लेकिन इसी प्रकार अगर चलते रहेगा तो नहीं सह पाएंगे और आगे हम ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहूँगा सर, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, आज कल मेरे साथ भी होगा, और इस तरह का बर्ताव अधिकारी को स्वीपरों के साथ शोभा नहीं देता है। हमेशा गाली गलौज, यह सही बात है सर, हमेशा गाली गलौज होते रहता है। काम हम नहीं करेंगे सर, काम बंद करके रखेंगे, काम नहीं करेंगे, करने नहीं देंगे। बुधवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नरसंहार हुआ है, इसके संबंध में हम लोग यहाँ आदिवासी परिवार के जो लोगों उसको लेकर के हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए हम कराए गए। उत्तर प्रदेश में इस आदिवासी परिवार के ऊपर जो हमला हुआ, आज़ादी के पूर्व से मोड़ समुदाय के लोग, आदिवासी परिवार के लोग उस जमीन पर काबिज थे, उनको वैधानिक रूप से वो जमीन दिया गया था एक सोसाइटी बना करके, और अवैध तरीके से जो IAS अधिकारी थे उन्होंने उसको अपने पत्नी के नाम पहले ज़मीन को कराया, उसके बाद उसको किसी दूसरे आदमी को बेच दिया। आगे की पहल क्या हो गया? आगे की पहल हमारा कहना ये है कि आज़ादी के बाद भी आदिवासी परिवार के ऊपर जिस तरीके का जुल्म हो रहा है, इसके विरोध के लिए हम लोग आगे की लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे। जो हम लोगों का हक, जो ज़मीन हम लोगों ने वन जंगल काट करके वहाँ पर बसाया था,
और सरकार ने जो कानून हमको दिया है बना करके आदिवासी परिवार के संरक्षण के लिए, हमारे हक के लिए, उस लड़ाई को हम निरंतर जारी रखते हैं। आगे आपने किसी और को ज्ञापन दिए हैं? नहीं, हम अभी ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भेजेंगे जिला अध्यक्ष के माध्यम से। आपका भानु प्रताप सिंह, धन्यवाद। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राहुल जायसवाल के साथ राजीव दुबे की रिपोर्ट, अंबिकापुर सरगुजा। मुखबिर की सूचना पर रात 8 बजे गांजा तस्करों को पकड़ने के लिए कांकेर TI अचानक एक्शन मोड में आ गए। तस्करों को रोकने के लिए ट्रक का पीछा कर 20 सड़क पर जिप्सी खड़ी कर दी और जांच करने ट्रक की छत पर चढ़ गए, लेकिन अचानक पैर फिसलने से नीचे नाली में जा गिरे। बाएं हाथ व शरीर के हिस्से में चोट आई। उन्होंने बैकअप टीम के पहुँचने तक दोनों तस्करों को भागने नहीं दिया। जांच में लगभग 35 लाख का गांजा ट्रक से बरामद हुआ और दोनों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों ने ट्रक में गुप्त चैम्बर बना रखा था जो केबिन व डाला के बीच 1.5 फीट के गैप में बना था। पहले पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। बारीकी से जांच करने पर चैम्बर नजर आया जिसमें 17 बोरों में गांजा भरा था। पकड़े गए गांजे की बाजार में कीमत 35 लाख आंकी गई है। वहीं जब्त ट्रक का पासिंग उत्तर प्रदेश का है जिसकी कीमत 15 लाख आंकी गई है, जिसे राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कांकेर ASP कीर्तन राठौर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्करों को पकड़ कर उनके कब्जे से 35 लाख कीमत की गांजा बरामद की गई है। तस्करों को पकड़ने के दौरान TI घायल हुए हैं। वहीं चालकों ने जिनका नाम बताया है उनके लिए टीम उत्तर प्रदेश भेजी जा रही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए RL कुलदीप की रिपोर्ट, कांकेर छत्तीसगढ़। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों में स्वयं चंदा और चुमाकी बुद्रा शामिल हैं। दोनों ने कोंटा थाने में सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि नक्सली स्वयं चंदा माओवादी संगठन में DKMS अध्यक्ष के रूप में सक्रिय था। इस पर शासन ने 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की थी। नक्सली 1998 में संगठन में शामिल हुआ था। सन 2000 में जनमिलिशिया सदस्य के रूप में कार्य किया। आत्मसमर्पित नक्सली पुलिस पार्टी पर फायरिंग और बम ब्लास्ट जैसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इस प्रकार नक्सली चुमाकी बुद्रा भी 2012 से संगठन में जुड़कर सक्रिय था या नक्सलियों को सामान सप्लाई करने का काम किया करता था। TV1 इंडिया न्यूज के लिए RL कुलदीप की रिपोर्ट, बस्तर छत्तीसगढ़।